तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल वालों का पैनल फाइनली खत्म हो चुका है, लेकिन पैनल खत्म होने से पहले इन्होंने इतने सारे चीज़ों का रिवील कर दिया है ना, तो इसके ऊपर बात करते रहते पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो पूरे डिटेल्स में जाओ तो फाइनली आज उसी के बारे में बात करें। देखो पहले वाला था एनिमेशन पैनल, दूसरा था वो मूवी पैनल। तो सबसे पहले मूवी पैनल को कवर करते हैं, उसके बाद एनिमेशन पैनल को कवर करूंगा। तो है गाइस, मैं प्रोफेसर बोरिस। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फेस फोर में जितनी भी मार्वल वालों ने मूवी निकाली थी उसमें से जो डॉक्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, इटर्नल्स, इन सब की आर पार सफलता को देखने के बाद इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि हम लोग चलो सुधर जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी मूवीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया इन्होंने, और कुछ के तो रिलीज डेट भी होते थे, कुछ के तो ट्रेलर भी दिखा दिए। तो उसी के ऊपर पहले बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एंड मैन द वॉस्ट क्वांटमेनिया के बारे में, जो कि February 17, 2023 को रिलीज होने वाली है। और हाँ, इसका फर्स्ट लुक हम देखने को मिल चुका है, जिसमें कैंग, एंड मैन, वॉस्ट और कैसी लैंग भी है। और रही बात, इसमें मोर्डो का भी एक रोल होने वाला है जो कि मेजर तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इसके बाद हम बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में, जो कि रिलीज होने वाली है May 5, 2023 में। और यहाँ पे इसका ट्रेलर दिखाया गया था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली नहीं डाला यूट्यूब पे, क्योंकि इतने सारे ट्रेलर को डाल क्या करेंगे एक दिन में। और यहाँ पे हमें रॉकेट का छोटा सा इमेज देखने को मिला है, जो कि इसके पास्ट ट्रेलर होने वाला है, क्योंकि बेबी रॉकेट है। और इसमें ड्रैक्स का रोल खत्म होने वाला है ऐसा सुनने का था, और कॉमिक कॉन में भी वो नहीं आया। तो मतलब समझ जाओ कि टाटा, बाय बाय, गुड बाय। और मैं सच बताऊँ ना तो इस मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि इसमें एडम वॉरलॉक को अच्छे से ये लोग दिखाएंगे, जिसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और उसका रोल प्ले करने वाले विल पोल्टर के बारे में तो क्या ही बात करूँ, जिनके मैं ऑब्वियसली फैन ही हूँ। तो अब हम आते हैं लोकी के सीजन 2 के ऊपर, जो कि रिलीज होने वाले Summer 2023 के अंदर। पता ना, लोकी का सीजन 1 जब से आया था तब से सब उसके ही फैन बन गए थे, क्योंकि उस शो में एक पोटेंशियल था दिखाने के, क्या दिखाना चाहिए मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को, और उन्हें अच्छे से दिखाया अभी। लेकिन हाँ, जो क्या का स्टोरी एक था उसको इसमें कंटिन्यू करेंगे ये लोग। और वैसे भी लोकी के इमेजेस तो डे बाय डे आ ही रहे, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अब जिस शो के बारे में बात करना चाहता हूँ, उस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, बिल्कुल डाई हार्ड की तरह। उस शो का नाम है सीक्रेट इन्वेजन, जो कि रिलीज होना Spring 2023 के अंदर। पता है इस शो के अंदर क्या नहीं दिखाएंगे लोग, हो सकता है लिखा है कि तुम लोगों ने जिन सुपर हीरो को अब तक देखा है वो सारे स्क्रल्स ही हो, या फिर मारिया हिल, निक फ्यूरी, तो वैसे भी स्क्रल थे नो वे, सॉरी, फार फ्रॉम होम के अंदर, लेकिन कुछ भी और हो सकता है। इसके बाद जो शो रिलीज होगा वो है एको, जो कि रिलीज होगा Summer 2023 के अंदर। देखो, हॉकाई में एको के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करके नहीं दिखाया गया था, इसलिए इसके लिए सेपरेट शो करना बिल्कुल ही ठीक है। और इसमें डेयर डेविल होगा, और फिर किंग पिन भी तो होगा, तो कसम से बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है शो। देखो, फेज 5 में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे इनके जो शोज है और मूवीज है। और आगे बढ़ते हैं इसको। इसके बाद जो मूवी आने वाले वो एक सीक्वल है, जो कि है मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स सबसे बेस्ट मूवी कैप्टन मार्वल का, जिसका नाम है द मार्वल, जो कि रिलीज होने वाली है July 28, 2023 के अंदर। देखो, पहले वाले मूवी की तरह तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इस मूवी के लिए, लेकिन इसमें कमाला खान है, मतलब मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल, फिर मोनिका रैम्बी भी, तो थोड़ा सा देख रहे थे क्या होने वाला है इस मूवी में, एक चांस तो देना चाहिए हर मूवी को। और फिर अगली मूवी आती है वन ऑफ द बेस्ट मूवी ब्लेड, जो कि रिलीज होने वाली November 3, 2023 के अंदर। और यूमन निकल के आ रहा है कि इस मूवी में जो ड्रैकुला का रोल करेंगे वो हो गए एंथनी स्टार, जो कि बॉयज के अंदर होमलैंड का रोल करते हैं। तो और भी देखना चाहिए इसे, और इसकी फिल्मिंग इसी साल अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली है, चलो नवंबर के अंदर आ ही जाएगा। इसके बाद जो शो आएगा वो आएगा आयरन हार्ट, जो कि रिलीज होगी Fall 2023 के अंदर, जिसको प्ले करेगा रीरी विलियम्स, मतलब कैरेक्टर का नाम है, एक्टर का नहीं। तो ये आयरन मैन की जगह लेगी शो में। और हाँ, इसके बारे में हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में भी थी। और हाँ, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से याद आया कि देखो, उसका ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं शाम तक लेके आ जाऊँगा, कोई टेंशन ना लो उसके बारे में, उसे ट्रेलर ने टीजर ही था वो, लेकिन जो भी हो लेके आ जाऊँगा। फिर हम बढ़ते हैं हमारे प्यारी चुड़ैल की तरफ, मतलब एगाथा कॉन्वेंट ऑफ केओस शो के बारे में। देखो, पहले इसका नाम था एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, पता नहीं इन्होंने नेम क्यों चेंज कर दिया, लेकिन जो भी हो करेंगे इनकी मर्जी, जो कि आएगा Winter 2023 के अंदर। तो देखते हैं इस शो में क्या दिखाएंगे। वैसे भी एगाथा का पास्ट आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जब WandaVision को उसको पहले में देखा था, तो देखते हैं ये लोग उसके लेगेसी को ठीक से दिखाते हैं या फिर नहीं। और इसके बाद जो शो आने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट शो होने वाली है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो कि Spring 2024 में आएगा, वो भी 18 एपिसोड का। हर वेनेसडे अगर रिलीज करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक दो एपिसोड को एक साथ रिलीज़ कर देना चाहिए। लेकिन जो भी हो, नेटफ्लिक्स पे जब डेयरडेविल देखा था ना, तो कसम से उस वक्त से इसका फैन हो गया था मैं। और चार्ली कॉक्स, विंसेंट डी'ओनेफ्रियो तो है ही शो में, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, बताओ। डेयरडेविल का एक शो, वो भी MCU के अंदर,
बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, इसको आर रेटेड रखें तो और भी अच्छा होगा। तो अगली मूवी जो आ रही है वो है कैप्टन अमेरिका 4, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि रिलीज होगी May 3rd, 2024 में। देखो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, तो उसका नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये जो रेसिस्ट वाले लोग हैं ना, तो उनकी तरफ ज्यादा पॉइंट आउट करेगी मूवी। खैर वो तो मूवी का नाम तो पता चल ही जाएगा क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि फैल्कन द विंटर सोल्जर शो में भी ऐसा हुआ था आखिरी में। तो इसके बाद आएगी थंडरबोल्ट्स की मूवी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि थंडरबोल्ट्स एक सीरीज होने वाली, लेकिन ये एक मूवी होगी जो कि मार्वल ने अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि रिलीज होगी July 25, 2024 में। तो सबसे पहले तो वैलेंटाइन जो जो टीम मेंबर्स का कलेक्ट कर रही है कि बैरन सीमो, यूएस एजेंट या फिर येलेना बेलोवा, तो इन सबको एक टीम में देखने के लिए ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, खास करके सीमो को कुछ भी कर सकते। और इसके बाद जो मूवी आने वाली है, तो उसकी पहले की फ्रेंचाइज तो जितनी बेकार थी उसको छोड़ दो, खास करके 2015 वाला, कसम से उसको बनाने की ज़रूरत क्या थी मुझे ये बताओ। लेकिन हाँ, अब मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर फाइनली डेवलपमेंट होने वाली है फैंटास्टिक फोर, जो कि रिलीज़ होगी November 8, 2024 को। तो पहले तो इसकी कास्टिंग के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस रिलीज डेट को अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन देखते हैं कास्टिंग के बारे में धीरे धीरे अपडेट में पता चल ही जाएगा। और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ूँ तो उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी, फेज 4, 5, 6 मल्टीवर्स सागा होने वाली है, जिसका विलेन होगा कैंग। लेकिन हाँ, एक बात और पता चले कि फेज 7, 8, 9 जो होने वाली है, तो उसका विलेन होगा गैलेक्टस। तो समझ जाओ मार्वल वाले किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं सबसे बिगेस्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है अवेंजर्स 5, जिसका नाम है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जो कि रिलीज होगी May 5, 2025 के अंदर। और ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं था, इससे बाद भी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो है अवेंजर्स 6 से रिलेटेड, जो कि है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो कि रिलीज होगी November 8, 2025 के अंदर। मतलब 2025 के अंदर दो अवेंजर्स मूवी, और वो भी सीक्रेट वॉर्स पे। मार्वल वाले कसम से, तुमने अगर सीक्रेट वॉर को ठीक से दिखा दिया ना, तो कसम से बोल रहा हूँ तुम लोग कभी भी नहीं चुकोगे। मतलब तुम्हारे जो सीक्रेट वॉर मूवी है ना, तो उसका कलेक्शन 2 बिलियन क्रॉस आराम से कर लेंगे, अगर तुम लोग सही से देखोगे और कॉमिक्स को फॉलो करेंगे तो। और वैसे भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीक्रेट वॉर्स का जो विलन होगा वो और कोई नहीं होगा, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। कसम से छप्पर फाड़ होगी ये मूवी, लिख के ले लो आज। वो अब हम लोग बात करते हैं एनिमेशन पैनल के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इफ सीजन 2 कंफर्म कर दिया गया, और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट पे हम देखने को मिले। पहले तो जॉम्बी वांडा, फिर जॉम्बी घो, जॉम्बी हॉकाई, जॉम्बी ओकोय, जॉम्बी अबोमिनेशन, जॉम्बी इकारिस, जॉम्बी कैप्टन अमेरिका, फिर जॉम्बी कैप्टन मार्वल। हाँ, कैप्टन मार्वल को दिखा दे, सबसे अच्छी बात है। और वहीं पर सर्वाइवर टीम से हमें भी नए नए मेंबर को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो सबसे पहले तो स्क्रल्स है कुछ सर्वाइवर टीम के अंदर, फिर नए ब्लैक वीडियोज़ को भी इंट्रोड्यूस करा गया। तो और इसके बाद फेस 4 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नए सुपर हीरोस आए, मतलब सर्वाइवल के अंदर से। तो सबसे पहले येलेना बेलोवा, फिर केट बिशॉप, फिर जिमी वू और शैंगची, मिस मार्वल, डेथ डीलर, रेड गार्डियन और केटी शैंगची की गर्लफ्रेंड। अब हम लोग आते हैं एक्समैन 97 के बारे में। तो यह शो 1997 में चल रहा था, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद इस शो को कैंसिल कर देगा था। लेकिन फाइनली ये शो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर कंटिन्यू होगी, और इस टीम को लीड करेगा मैग्नेटो। और हमें दो नए तीन मेंबर्स भी देखने को मिले, जो कि सनस्पॉट, केबल भी एक्समैन टीम के अंदर। तो देखते हैं शो के लिए, तो हूँ एक्साइटेड लेकिन इतना भी नहीं। तो अब हम आखिर में बात करते हैं स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के बारे में। तो इस शो में हमें हैरी ऑस्बॉर्न को भी देखने को मिल जाएगा, और फिर स्पाइडरमैन का मेंटर होगा नॉर्मन ऑस्बॉर्न, मतलब विलेन बनेगा मेंटो की आई बात है। और हाँ, आखिरी बात, व्हाट इफ सीजन 2 में डॉक्टर स्ट्रेंज भी होने वाला है, इस बात का कंफर्मेशन उनको मिल चुका है। तो यही थे सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मार्वल पैनल के अपडेट्स। अगर ये वीडियो तो कुछ भी पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सर सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा क्लोज है 1K सब्सक्राइबर के लिए। अगर वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो सबसे बेहतर चीज़ होगा कि सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, आपको क्या पसंद है और आप किसके लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके साथ मैं प्रोफेसर बुड साहब से भी रहता हूँ, फिर मुलाकात सौ नए वीडियो साथ, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इसके बाद आता हूँ ब्लैक पैंथर के ऊपर काम करने। बाय।